उप स्वास्थ्य केंद्र में पड़ा ताला, मरीज परेशान, नहीं मिल रहा मरीजों को लाभ। खंडहर में तब्दील उप स्वास्थ्य केंद्र। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर गांव गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। यह गांव के स्तर पर स्थित स्वास्थ्य चौकियां हैं। एक उप केंद्र लगभग 5,000 लोगों को सेवाएं देता है, लेकिन ग्राम जोनिया के उप स्वास्थ्य केंद्र पर महीनों ताला पड़ा रहता है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं ग्राम जोनिया के निवासी इलाज के लिए इंद्रगढ़ जाने के लिए मजबूर हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ शासकीय कर्मचारी व अधिकारी बरत रहे हैं लापरवाही। दतिया जिले से SRV पर रवि बसेड़िया की रिपोर्ट। मैं मुकेश शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत जोनिया। ग्राम पंचायत जोनिया में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ हमेशा ताला पड़ा रहता है। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ ENM सरोज श्रीवास्तव, चूँकि उनका मुख्यालय जोनिया ही है, वो मुख्यालय पर ना रहकर मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर दतिया में निवास करते हैं, इसलिए वो कभी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोलती है। और इसके साथ ही यहाँ MPW सुदामा मुदगिल जी पदस्थ हैं, जो कभी ना तो गांव में भ्रमण पर आते हैं और ना ही टीकाकरण किया जाता है उनके द्वारा, और ना ही दवाओं का वितरण किया जाता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र जोनिया के स्टाफ द्वारा कोई भी उपाय नहीं किए जाते हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ग्रामीणों द्वारा भी कई बार उप स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में और यहाँ के स्टाफ के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की है, लेकिन इसके उपरांत भी प्रशासन द्वारा सर्व श्रीवास्तव ENM और MPW सुदामा मुदगिल जी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बुरी तरह से खराब है। जोनिया गांव की आबादी लगभग 5,000 के करीब है। यहाँ लोग बाग बीमार होते हैं तो उन्हें ENM या सुदामा मुदगिल जी से कोई सहायता नहीं मिलती है, उप स्वास्थ्य केंद्र से किसी प्रकार की दवाएं नहीं मिलती हैं, तो बेचारे यहाँ के गरीब पब्लिक को इलाज हेतु इंद्रगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है, जहाँ से भी अपना उपचार करवाते हैं। ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी कसत भोजनालय, बस स्टैंड भांडर, जुमा पलाय लजीज स्वाद।